कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर, भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में शुरू हुआ मतदान। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान, कड़ाके की ठंड के बीच हो रहा मतदान। सुबह से लगी मतदाताओं की लंबी कतार, मतदान के प्रति मतदाताओं में दिख रहा उत्साह। भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ग्राम कासावाही में थोड़ी देर में करेंगे मतदान। छत्तीसगढ़ कांकेर भानुप्रतापपुर विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए 5 दिसंबर को होने वाले मतदान में क्षेत्र के 1,95,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 95,266 पुरुष मतदाता, 1,555 महिलाएं मतदाता और 1/3 लिंग मतदाता शामिल हैं। उपनिर्वाचन के लिए प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए कुल 256 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 82 मतदान केंद्र नक्सल संवेदनशील एवं 17 मतदान केंद्र अति नक्सल संवेदनशील हैं। राजनीतिक रूप से संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 23 है। सुचारू रूप से मतदान संपन्न कराने के लिए 256 मतदान दल गठित किए गए हैं। प्रत्येक मतदान दल में 1 पीठासीन अधिकारी है और 3 मतदान अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही रिजर्व दल भी बनाए गए हैं। मतदान के लिए 30 सेक्टर अधिकारी भी बनाए गए हैं, जो अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का लगातार भ्रमण कर रिपोर्टिंग करेंगे। उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह, जोर शोर मतदान जारी। सुबह 9 बजे तक 20% मतदान, पहले 2 घंटे में 20% मतदान। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने मतदान केंद्र क्रमांक 253 प्राथमिक शाला तेलगरा में किया मतदान।